चुनाव नतीजे आने और एनडीए का नेता चुने जाने के बाद संसद के सेंट्रल हॉल में अपने भाषण में मोदी ने सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का नया मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि गरीबों की तरह अल्पसंख्यकों के साथ भी देश में छल हुआ है, हमें उस छल में छेद करना है। मोदी ने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए काल्पनिक भय का वातावरण बनाया गया है। मोदी के इस भाषण का जहां कुछ मुस्लिम धर्म गुरुओं ने स्वागत किया है, तो वहीं कई इसे महज ढोंग करार देने में जुटे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या मुसलमानों का दिल जीतने में कामयाब होंगे पीएम मोदी? क्या मोदी के विश्वास जीतने पर मुस्लिम समुदाय में छेद हो गया? दरअसल मुसलमानों की देश की सबसे बड़ी तंजीमों में से एक जमीयत ए उलमा ए हिंद ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करने पर मुबारकबाद दी है। जमीयत ए उलमा ए हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि अल्पसंख्यकों के विकास को लेकर दिए गए आपके हालिया बयान, जिसमें आपने मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने की बजाय उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर खास ध्यान देने की बात कही, वो सही वक्त पर आया है और मुबारकबाद के काबिल। हम उम्मीद करते हैं कि पूरी ईमानदारी और मुस्तैदी के साथ लागू की जाएगी। इससे पहले मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी ने पीएम के बयान से अपनी सहमति जताई थी। उन्होंने कहा कि पीएम के बयान से देश में मुसलमानों के मन में जो डर या भय की भावना है वो दूर होगी। हालांकि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मदनी और फिरंगी महली से इतर राय रखी है। AIMPLB के महासचिव मौलाना महमूद वली रहमान ने अपनी खुली चिट्ठी में लिखा है कि आने वाले दिन परेशान करने वाला रुख अख्तियार कर सकते हैं, लेकिन मुसलमानों की ये जिम्मेदारी है कि वो बुरे से बुरे हालात में भी धैर्य, हौसले और जज्बे को बनाए रखे और मायूसी और नाउम्मीदी की शिकार ना हो, अल्लाह पर भरोसा रखे और ईमान के साथ अच्छाई के रास्ते पर चलते रहे, ये दौर भी गुजर जाएगा। ओवैसी ने तो पीएम मोदी की मंशा पर ही सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने कहा कि अगर पीएम मोदी इस बात से सहमत हैं कि अल्पसंख्यक भय में जी रहे हैं, तो उन्हें ये भी जानना चाहिए कि जिन लोगों ने अखलाक की हत्या की, वो उनकी चुनावी जनसभा में उनके सामने पहली पंक्ति में बैठे थे। ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी के ये बयान ढोंग है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पीएम मोदी मुसलमानों का दिल जीतने में कामयाब होते हैं या नहीं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।